गुड मॉर्निंग एवरीबडी। होपफुली आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे एंड एवरीथिंग विल बी गुड आप लोगों के एंड पे। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो लॉन्ग अवेटेड है बिकॉज क्लिनिक में एक नई मोडलिटी मैंने इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है स्कारलेट। स्कारलेट विद RF यानी स्कारलेट के साथ हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी उसमें एक प्रोब मौजूद है। अब जो मकसद है इस मशीन को लाने का या इसके ऊपर जो डिस्कशन हमारे डेली हो रही होती है वो ये है, नंबर वन इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्किन रिजुविनेशन, यानी इसका ज़्यादा रोल है फॉर एक्ने स्कार्स के लिए। डीप आपके जो पुराने कोई जब आपको निकलते हैं दाने एडोलेसेंस में या प्यूबर्टी पे जब आपको एक त्रश आता है डिफरेंट दाने बनते हैं उसके जो पिट्स रह जाते हैं उसके लिए इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। होता इसमें क्या है, होता इसमें ये कि जैसे ये छोटा सा अभी मेरे पास नीडल नहीं है उसकी जैसे ये पेन है, इस पेन की जगह पे ऊपर एक नीडल्स होंगी जो 100 नीडल्स हैं और ये गोल्ड प्लेटेड होती हैं नीडल्स और बड़ी फाइन होती हैं। इन नीडल्स को हम आपकी पहले स्किन को 40 मिनट्स के लिए नम करते हैं, फिर हम इन नीडल्स को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ आपकी जो स्किन है उसके अंदर पंच करते हैं। एक्चुअली में ये प्रोसीजर जो है ये आम स्किन यानी एक नॉर्मल खातून जिसकी एजिंग और डिकेइंग स्किन है उसके ऊपर डिफरेंट एज के साथ ना एक अजीब सी लेयर आना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर एजिंग की और पोर्स जो होते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्स नज़र आ रहे होते हैं। नेजोलेबियल फोल्ड्स बड़े रिमार्केबली आप देख सकते हैं कि नेजोलेबियल फोल्ड्स जो हैं वो अलग से ख़वातीन के नज़र आ रहे होते हैं। फिर ये वाला जो नीचे जॉ लाइन का ये एरिया होता है यहाँ पे भी मुझे नज़र आता है कि जब हम डिस्कस करते हैं कि ये लाइन्स यूँ ड्रूप हो रही होती हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। फिर यहाँ से आप देखते हैं कि चीक्स जो हैं वो भी नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ कोई एक ऐसा प्रोसीजर जो हैंडल करेगा वो प्रोसीजर होता है आपका ये स्कारलेट। इसका फ़ायदा जो मुझे नज़र आया है जिसकी वजह से मैंने इसको क्लिनिक में इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि ऑल्दो हम माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए से भी यही इम्पैक्ट ले रहे होते हैं डर्मा पेन के ज़रिए से, मगर और PRP के साथ भी हमें यही रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। बट उसमें डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी व्हेन यू डू द नीडलिंग इन अ वे कि आप हर एरिया पे डिफरेंट डेप्थ की मैं नीडल यूज़ कर रही होती हूँ तो उसकी बहुत केयर के बावजूद भी यू नीड 3 to 4 days ताकि उसमें डाउन टाइम होता है, ब्लीड होता है। PRP के साथ आपको वैम्पायर फेशियल लिफ्ट उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके मुँह पर जो है वो ब्लड जो है वो नज़र आता है। तो जो मेन इशू क्लाइंट्स को नॉर्मली फेस करना पड़ता है वो ये है कि वो इतना टाइम अपने ऑफिस से अपने घरों से निकालना और फिर इतना उसकी केयर करना अपनी स्किन की कि वो 3-4 दिन धूप में ना निकलें, फिर चूल्हे के सामने ना जाएं और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो फिर उनके सेशंस डिले से डिले होते चले जाते हैं। स्कारलेट में ये है कि कोई ज़्यादा ब्लीड नहीं करता फेस आपका, ज़्यादा उसके अंदर डीप आपकी जो वास्कुलेचर है उसमें से खून बाहर नहीं आता और जो डाउन टाइम है वो बहुत कम है। एक ही दिन में आप माशाल्लाह नेक्स्ट डे मेकअप भी कर सकती हैं। उस टाइम भी जब लोग क्लिनिक से निकल रहे होते हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता जैसा वैम्पायर फेशियल लिफ्ट का या PRP का या माइक्रो नीडलिंग का या दूसरे जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं जिनमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो साथ जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है RF है उसका हमें ये फ़ायदा मिलता है कि RF के अंदर आपकी जो हमारी जो स्किन है उसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो एक पल्स है उसको हम इंजेक्ट करते हैं विद एवरी प्रेस ऑफ बटन, और वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके फेस में जाती है विद द स्कारलेट वो अंदर कोलेजन को मोटिवेट करती है, कोलेजन को स्टिमुलेट करती है सॉरी, और उसको आपकी स्किन की जो रिजुविनेशन है उसके लिए फिर कोलेजन एक बेसिक फैक्टर है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अलग अलग से हमें बताएं कि इसके क्या इफेक्ट होंगे। अब जब आपकी कोलेजन ही स्टिमुलेट हो गई, आपके जो यूथनिंग हार्मोन्स हैं सारे वो स्टिमुलेट हो गए,
तो उसके अंदर फिर आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो श्रिंक होते हैं। 7 to 9 डायमेंशंस के अंदर आपको स्किन यूथनिंग मिल रही होती है, यानी जो डिफरेंट जोन्स में आपके पिगमेंटेशन अलग से, एक एरिया यहाँ बना होता है, दूसरा एरिया यहाँ, तीसरा एरिया यहाँ। और एक बात मैं बड़ी अपनी सारी बहनों से फ्रैंकली कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ और ख़वातीन जो सुबह सुबह शीशे के सामने खड़ी होती हैं और तैयार होती हैं, फ्रैंकली मेरी उनसे ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि यार जब हम सुबह अपने खड़े होते हैं ना शीशे के सामने और हम अपनी लेयरिंग कर रहे होते हैं ढेर सारी फाउंडेशंस की, बीबी क्रीम्स की, तो हम समझते हैं कि हम शाम तक जो है ना इतने ही हसीन और इतने ही कैमोफ्लैज और हमारी हर चीज़ छुप जाएगी। अच्छा होता ही है कि आधे पौने घंटे के बाद आप जब तक ऑफिस पहुंची या अपने काम पे पहुंची तो सन है, बॉडी की हीट है, ये सब चीज़ें मिल मिला के आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है ऑन योर स्किन। एंड दैट ऑक्सीडाइजेशन जो है ना, आप आधे 2-3 घंटे के बाद एक कार्टून की शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ग्रे, यहाँ से पर्पल, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से नीला, यहाँ से पीला हो जाता है। और हम सारा दिन इस खुश फहमी में रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि यार मैं जैसे सुबह मैंने शीशे के सामने अपने आप को देखा था ना, मैं उतनी ही खूबसूरत लग रही हूँ अभी तक। और ये रियलिटी में होता नहीं है और हो सकता नहीं है। उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये कि हम लोग स्किन के ऊपर काम नहीं करते, हमें स्किन को छुपाने का ज़्यादा शौक है, हमें स्किन के प्रॉब्लम्स को हल करने पे कोई इन्वेस्टमेंट करने का शौक नहीं है, ना टाइम की ना एनर्जी की। अच्छा अब जब आपने दूसरा रीज़न ये कि हम प्राइमर बिल्कुल यूज़ नहीं करते, प्राइमर जो है वो हमारा जो बुनियादी तौर पे एक टूल अल्लाह ताला ने हमारे इंसान को अकल दी और लोगों ने ये प्राइमर को इजाद किया, उसकी रीज़न ये थी कि आप नीचे जो है कोई विटामिन सी का सीरम, कोई हाइड्रेटिंग क्रीम नीचे रखें, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं और उसके ऊपर आप जो है जो अपना प्राइमर लगा के फिर सनस्क्रीन और बाकी चीज़ें अप्लाई करें, ताकि जो प्राइमर है वो आपकी स्किन को मेकअप की प्रोडक्ट्स के खाने से बचाए। मेकअप का जो प्रोडक्ट है, बीबी क्रीम, फाउंडेशन, लिपस्टिक, ये चीज़ें जब आपकी स्किन में रहती हैं ना बेटा, तो ये आपकी स्किन को खा रही होती हैं, दे आर ईटिंग योर स्किन अवे। एंड 14 से 18 घंटे मेकअप हमारे फेस पे रहता है किसी भी फॉर्म पे। ना हम टोनर यूज़ करते हैं, ना हम प्राइमर यूज़ करते हैं। जो लोग प्रॉपर प्राइमर यूज़ करते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी जब वो घर आती हैं वापस अपना क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई करती हैं तो प्रॉपर तरीके से वो प्राइमर, चूँकि एक लेयर होती है बीच में, तो वो जब उतारती हैं मेकअप तो मेकअप ऊपर से उतर जाता है और प्राइमर दरमियान में होता है। तो आ जाए तो स्कारलेट का हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि यही आपके जो डिफरेंट ग्रे, नीले, पीले जोन्स होते हैं ना मेकअप में जो नज़र आते हैं, जब आप स्कारलेट के 2 से 3 4 सेशंस लेती हैं विद आरएफ, तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो डाउन टाइम नहीं है, आप आराम से अपना ऑफिस से आके या आपने एक दिन शाम को करवाया, नेक्स्ट डे यू आर गुड टू गो एनीवेयर। नंबर टू, इसकी पेन नहीं है। नंबर थ्री, सिर्फ 20 मिनट्स का प्रोसीजर है। नंबर फोर, हम पिगमेंटेशन के केसेस में और एक्ने पिट्स के केसेस में हम इसको पीआरपी के साथ कर रहे हैं, यानी मैं प्लाज्मा लेके, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीजीआरएफ लेके उसके साथ ये प्रोसीजर करती हूँ जब आरएफ के साथ, तो हमें बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी एंड 3-4 सिटिंग्स में इट गिव यू अ रिज़ल्ट इक्वल टू अ प्रॉपर फेस लिफ्ट, और स्किन की पूरी क्वालिटी चेंज हो जाती है। अंडर आई पिगमेंटेशन को बड़ा फ़र्क पड़ता है। नेजोलेबियल फोल्ड्स के अंदर जो आपका एक यहाँ पे एक आ जाती है एरिया, ग्रूव सी बनती है, ये सारी जो डल गिरी हुई स्किन है वो भी हम साथ लिफ्ट कर देते हैं। द वे वी डू स्कारलेट इट मैटर्स अ लॉट। उसका एंगल, उसका मसल के ऊपर जैसे आपने स्कारलेट रखनी है उससे, देखें ये मैं ऐसे ऐसे फेस को टाइट करती हूँ, उसको मैं ऐसे मसल ओरिजिन इंसर्शन पे रखती हूँ कि वो आपको टाइटनिंग भी देता है, पूरा फेस आपका टाइट होता है, कोलेजन बूस्ट होती है, और 7 to 8 डायमेंशंस में आपको जो है वो स्किन पिगमेंटेशन से भी जान छूटती है। यानी जो लोगों के ना टी जोन काला हो जाता है, कुछ यहाँ पे चीक्स पे काला हो जाता है, वो सब एक रीसर्फेसिंग होती है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए से एक छोटी सी ये गुजारिश है कि आप अपने मेकअप को, प्रोडक्ट्स को ख़रीदना और फाउंडेशंस और बीबी क्रीम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करें, और अपनी स्किन को प्लीज़ बेहतर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उस पर करें, ताकि
इज़ यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आके ये बताती हैं कि हमारे जी पर्स में हर वक्त हमें एक फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या सामान रखना पड़ता है, और दिन में कितनी दफ़ा उसे हमें टचअप करना पड़ता है टू कीप दैट लुक। तो हम मैं अपनी क्लिनिक में इस बात पर मुझे थोड़ा सा फ़ख्र कह लें महसूस होता है, ये कहने में होना नहीं चाहिए, फ़ख्र तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को सूट करता है, लेकिन मुझे खुशी होती है देख के कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी स्किन को हमने फाउंडेशन फ्री स्किन बनाया है। फाउंडेशन फ्री स्किन एक मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी सिग्नेचर प्रोडक्ट है। मेरी स्किन पर इस वक्त कोई फाउंडेशन नहीं लगी हुई, आप इसको देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द वे आई लाइक टू कीप माई स्किन इन द क्लिनिक, ताकि लोगों को यकीन आए। वो हाथ लगाती हैं, वो वाइप करती हैं, एंड इस वक्त इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, टोनर भी नहीं है अभी लगा हुआ। तो स्किन फाउंडेशन फ्री स्किन इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। मेरी एज भी बहुत ज़्यादा है, मैं कोई यंग औरत नहीं हूँ, आई एम 45+ हूँ मैं इस वक्त, और इस एज और इस स्टेज के ऊपर आई जस्ट हैड अ बेबी, मेरा एक छोटा सा बेबी है, उसके साथ भी प्रेगनेंसी में भी बहुत पिगमेंटेशन होती है, प्रेगनेंसी का वेट भी होता है, तो वो सब चीज़ें होते हुए भी अगर स्किन ऐसी मेरी हो सकती है तो आपके क्यों नहीं हो सकती। तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर स्किन केयर, क्योंकि ये स्किन की जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे स्किन कैंसर्स भी बहुत फैल रहे हैं, खसूसन जो चीप प्रोडक्ट्स हैं। और पाकिस्तान में तो इस वक्त समझ नहीं आती कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ मिल रही है और गलत प्रोडक्ट कहाँ मिल रही है। तो आप कम से कम फाउंडेशन, कम से कम बीबी क्रीम, सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो अच्छी स्किन होना चाहिए, जिसके ऊपर आप एक महंगा और अच्छा सनब्लॉक लें और वो अप्लाई करें प्राइमर के साथ, बस। तो स्कारलेट एक नई हमारी क्लिनिक में चीज़ आई है, मैंने सोचा इसे मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, आपको बता दूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो ज़रूर बताइए। हमारी 5th एनिवर्सरी चल रही है इस वक्त, जिस पर हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप मेरी टीम से रابطہ कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स की डिटेल लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।